में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनोद और फिलहाल आपको मिलवाने वाला हूं आदिवासी क्षेत्र में कोटड़ा तहसील के अंतर्गत जो आदिवासी सूची में कक्षा 12वीं के आर्ट्स वर्ग में पहले नंबर पर रहे हैं उनसे, और उनका नाम है कोमल भगोरा। अब कोमल भगोरा कहाँ से हैं और कौन सी स्कूल से उन्होंने कम्प्लीट किया है, हालांकि थोड़ी जानकारी मुझे है लेकिन मैं चाहूंगा कि यही जानकारी मैं कोमल से भी सुनना चाहूंगा। तो हमारे साथ कोमल है और कोमल के साथ साथ उसका भाई प्रवीण भी है। तो कोमल, जैसा कि आपने ये 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबर बनाए और 32 स्कूलों में पहले नंबर पाए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की थी, इतने परसेंटेज बनेंगे वो करके। ओके, तो आपने पहले से सोच के रखा था कि मुझे ज्यादा परसेंटेज बनाने हैं? हाँ। ओके, और आपको पढ़ाई में कौन सपोर्ट करता था? टीचर हमें पढ़ाते थे, वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, बोल रहे थे सब, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे थे, आपको भी पढ़ाई थी। तो आप घर से भी जाते थे, हॉस्टल में रहते थे? तो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे, कभी कभी घर पे जाते थे। मम्मी पापा ने आपको कैसे सपोर्ट किया? मेरे मम्मी पापा खास खेती करते हैं, पर उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट करके पढ़ाया कि यार तुम पढ़ो, मैं कैसे भी खर्चा करके तुम्हें पढ़ाना है, तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, करके पढ़ा रहे। आपकी घर में कितने भाई बहन हैं? एक भैया है। ओके, तो आपके भाई है वो क्या करते हैं? वो भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो उनके कितने परसेंटेज बने? उनके 52 बने। तो आपके ज्यादा और उसके कम, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो कोटा पढ़ रही थी और मेरे भैया तो वहाँ गांव में पढ़ रहे थे, वहाँ टीचर नहीं है इसलिए। ओके, ठीक है। और आपकी कौन दोस्त थी जो आपके साथ रहती थी और आपको सपोर्ट करती थी पढ़ने में? मेरी सहेलियाँ तो बहुत थी, पर मैं एक गांधी चरणा के सहेली जोशीला नाम है, उनके साथ में रहती थी। तो वो आपको कैसे मदद करते थे पढ़ने में? मैं सो जाती थी तब मतलब उठो और पढ़ो यूं करके। वो कौन सी क्लास में थी? वो भी 12th में थी। वो भी 12th में। उसके कितने परसेंटेज बने? 64 बने। अच्छा, तो आप तो उससे भी आगे, मतलब उसने आपको उठाया लेकिन उसके नंबर कम रहे, आपको कैसा लगता है? उसने आपको बोला होगा ना, वो आपको बोल रही है पढ़ने के लिए लेकिन खुद के उसके नंबर कम आ रहे, क्या पता वो तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आपकी मम्मी पापा आपको कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं? पढ़ो, हम लोग पर्चा निकालेंगे, जितने तक पढ़ना चाहते हो उतने तक पढ़ो। आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं? मैं तो आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, BSTC की एग्जाम देके टीचर बनना चाहती हूँ। ओके, टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बन के क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाऊंगी। ओके, अच्छी बात है। टीचर बनने के बारे में क्यों सोचा आपने? क्योंकि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को अच्छा पढ़ाते, इसलिए हमने भी सोच लिया कि हम भी टीचर बनेंगे। अच्छे भविष्य का सुनहरा अवसर देने के लिए कोमल जो है वो टीचर बनना चाहती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे साथ इसका भाई प्रवीण भी है, प्रवीण से बात करते हैं। प्रवीण, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ। ठीक हो? तो आपकी बहन जो है वो पूरी कोटड़ा तहसील में पहले नंबर लड़कियों की सूची में, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसको कैसे सपोर्ट करेंगे आगे पढ़ने के लिए? आगे इसको जाना है कहीं पर, तो कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे मदद करेंगे? आप इसके साथ जाएंगे वो जहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, मैं जाऊंगा। और आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं? नहीं, जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होता है तब तक। अच्छा, मंजिल तो पता नहीं तुम्हारी कौन सी है, तो मैं चाहूंगा कि मंजिल तुम बताओ और वो मंजिल तक तुम पहुंचोगे कब, वो तो तुम्हें ही पता है। मंजिल क्या है, कहाँ पहुंचना है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन बाद में जब होगा तब देखा जाएगा। तो दोस्तों, प्रवीण है, प्रवीण को भी मंजिल का नहीं पता है, लेकिन मंजिल का पता चल जाएगा और वो आगे भी बढ़ जाएंगे। हम ऐसे अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और कोमल, आपकी जैसे बहुत सारी लड़कियां अभी आपको सुन रही है कोटड़ा टाइम्स चैनल के जरिए, तो आप उन सारी लड़कियों को क्या कहना चाहती है? मैं तो बस यही कहूंगी कि पढ़ाई करो और आगे बढ़ना, मेरे से भी ज्यादा परसेंटेज प्राप्त करना।
तो दोस्तों कोमल ने कहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करना, नंबर अच्छे बनाना, और मैं यहीं पर ये कहना चाहूंगा कि कोमल जो है वो कोटड़ा तहसील के बेड़ादर पंचायत के जेर गांव में रहती है। जेर गांव में जाने के लिए करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। कल जब मैं गया था तो मैंने देखा था, और कल भी जब मैंने उनके मम्मी पापा से बात की तो उनके मम्मी पापा भी उसे बहुत आगे तक पढ़ना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप कोमल से मिलना चाहते हैं तो जेर गांव में जाके मिल सकते हैं, और साथ ही साथ में कोमल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं होती है सरकारी और संस्थाएं होती है जो कि ऐसे बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए करना चाहती है। हालांकि इनके मम्मी पापा भी खेती करते हैं, और जब उनकी मम्मी ने कहा कि वो मजदूरी करके गुजरात में काम करने जाते हैं और तब पैसा इकट्ठा करके उन्हें देते हैं, और कल वे BHTC की एग्जाम देने भी जाने वाले हैं, तो जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं अगर हम उनकी मदद करें तो शायद वो एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम की तलाश उनको होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कोटड़ा क्षेत्र से भी ऐसे बच्चे निकले। तो दोस्तों कोमल भी उनमें, चाहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं इनकी अगर मदद आप करना चाहते हैं तो जरूर मदद कीजिएगा, और साथ ही साथ में मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हमारे कोटड़ा तहसील में जो सबसे अव्वल नंबर पर रहे आदिवासी सूचियों में उनकी जानकारी भी मिल सकती है। तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।